गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज एक नया वीडियो लेके आए हैं, सेशन लेके आए हैं, जिसमें कि सिलेबस डिस्कस किया जाएगा इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का। भारतीय राज व्यवस्था का सिलेबस आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको राज व्यवस्था में पढ़ना है। भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने के लिए आपको ये चीज़ें जो सिलेबस में आपको दी गई हैं, अभी ये आधा सिलेबस है, इसके बाद फिर से हम दूसरा सिलेबस, आगे का सिलेबस देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसे हमारा संविधान बना है तो वो बनाने वाली एक सभा हुआ करती थी, एक असेंबली हुआ करती थी। आज़ादी से पहले की बात है ये, जब ब्रिटेन छोड़ के जाने लगा हमारे यहाँ, तो ब्रिटेन अंग्रेजों के कानून तो भारत में लागू होंगे नहीं, इसलिए हमारे लोगों के बीच से लोग जा करके संविधान सभा में गए निर्वाचित होकर के, और वो लोग संविधान सभा का निर्माण किए और वो लोग जो संविधान बनाए वही चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हमारे लोकसभा में लोग चुने हुए लोग जाते हैं और कानून बनाते हैं, हम चुन के भेजते हैं तो वो इस समय के कानून बनाते हैं, उसी तरह उस समय के लोग चुन के भेजे थे कि भारत का एक संविधान तैयार किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से जन भावना के अनुसार होगी, भारत के अकॉर्डिंग होगी कि ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर पढ़ेगा, इसमें इन चीजों को हमको देखना पड़ेगा। संविधान सभा के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान हमारा बनाया गया है वो विश्व का सबसे अनोखा संविधान है, हर वो चीज़ वर्ल्ड से हमने खींच के लिया जो कि अच्छी हमको लगी। जैसे अमेरिका है, वो अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया है जो कि हमें अच्छा लगा कि नहीं उसके नागरिकों को मिल रहा है, तो वो उसका प्रोविज़न हम अपने यहाँ लेके आए। आयरलैंड के कुछ प्रोविज़न हमने अपने यहाँ ले आए, कनाडा से प्रोविज़न अपने यहाँ लेके आए उनके संविधान से। ब्रिटेन के संविधान का काफ़ी प्रभाव रहा है हमारे संविधान पर। इसके अलावा हमारा जो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर रहा है, जो सोर्स है, जो स्रोत है हमारे संविधान का, सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है 1935 का जो एक्ट है, जो अधिनियम है 1935 का, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो आया था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वो सारी चीजें कहाँ से, कौन सी चीजें, रसिया से क्या ली गई है, ब्रिटेन से, जर्मनी से, सारी चीजें हम लोग स्रोत में देखेंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है, या फिर जुडिशियल रिव्यू सिस्टम यानी कि आपका न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, डीपीएसपी कहां से लिया गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रस्तावना, प्रीएम्बल, प्रस्तावना यानी ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि पहले जब ऐसे होता था, निबंध होती थी, तो निबंध में हम लोग का पहली हेडिंग हुआ करती थी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमको आज तक उस समय तक समझ में नहीं आया, जब यहां पॉलिटी पढ़े तो समझ में आया कि प्रस्तावना का क्या महत्व होता है। उस पूरे जो ऐसे हम लोग निबंध लिखते थे उसका एक छोटा सा जो ड्राफ्ट करके उस पूरे ऐसे में क्या लिखना है, एक जो ओवरव्यू होता था वो प्रस्तावना में हम लोग लिखते थे। तो सेम कहानी है, पूरे संविधान का जो एक ड्राफ्ट है, जो एक ओवरव्यू है, वो इस प्रस्तावना में लिख दिया जाता है। इसी प्रस्तावना को देख करके उसके प्रोविजन के हिसाब से हमने अपने पूरे अधिकार, पूरे प्रोविजन संविधान में बनाए, उसी को हमको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है वो हमारा 22 भागों में विभाजित है, तो 22 पार्ट्स में डिवीजन किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग। जैसे कि आपका भाग एक है तो उसमें बताया गया है कि जो हमारा कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज, और स्टेट की चर्चा की गई। दूसरे भाग में हमारे नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है। तीसरे में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की। तो एक एक पार्ट में एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है, तो उस समय 22 भाग बनाए गए थे और अभी इस समय संविधान में कितने, 25 भाग है। हालांकि है 22 भाग ही, लेकिन जैसे भाग चार के बाद भाग पांच है तो लास्ट भाग 22 ही है, लेकिन भाग चार के बाद भाग चार क जोड़ दिया गया, 4A जोड़ दिया गया, तो वो हम अलग से भाग गिनते हैं। तो आज भी 22 भाग है, लेकिन अभी जोड़ करके क ख ग करके 25 भाग इस समय हो गए हैं। तो उन पार्ट्स में हाइलाइट्स क्या क्या चीजें हैं, जैसे किसमें संसद का वर्णन है, किसमें संसद है तो उसमें कार्यपालिका, विधानपालिका, ये सब चीजें हैं, तो अलग अलग आर्टिकल्स में है, तो उनको एक ब्रीफ हाइलाइट्स यहाँ पे लेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। उसके बाद अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल का मतलब क्या है कि
अनुच्छेद में बहुत सारी चीजें कह दी गई, कुछ चीजें थी जो कि अलग से आपके के लिए शेड्यूल बना दी गई, अनुसूची बना दी गई, कि जैसे आपका जो भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनके लिए क्या वेतन होगा, उनका शपथ ग्रहण कैसे होगा, या फिर राज्यसभा में जो लोग भेजे जाते हैं किस तरीके से भेजे जाएंगे, कौन भेजे जाएंगे, वो सारी चीजें, कुछ अलग अलग चीजें, जैसे भारत के संविधान में भाषाएं कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी, ये सब चीजें पार्ट्स के बजाय, भाग के बजाय कुछ एक अनुसूची बना दी गई, जो कि 8 अनुसूची थी उस समय बनाई गई थी, अभी 12 हो चुकी हैं। तो उन अनुसूचियों में डायरेक्ट पूछता है आपका कि भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में वर्णन किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून किस अनुसूची में। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, संविधान की अनुसूचियां। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो सिलेबस में आपके है कि सिटीजनशिप किसको मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, और किस पार्ट्स में वो कहा गया है, उसके पीछे का कौन सा एक्ट है, जैसे अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था लगभग अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बहुत न्यूज में था, उसके लिए भारत बंद भी 2-4 बार हुआ। तो वो चीजें हम लोग देखेंगे कैसे है, क्या है, किसको नागरिकता दी जाती है, और ठीक है, ये सिटीजनशिप चीजें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल का मतलब होता है फंडामेंटल, यानी सारे अधिकार हमारे मिले चाहे ना मिले, चाहे ना मिले, आपका संविधान निर्माता जो थे वो कहे कि नागरिकों के ये मूल अधिकार जरूर मिलने चाहिए, कोई भी अधिकार मिले चाहे ना मिले, फंडामेंटल है ये, तो मिलने ही मिलने चाहिए। इनको अगर नहीं मिलेगा तो नागरिक सीधे आपका सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो ये मूल अधिकार है, जैसे आपके कि कहीं भी जाएं तो हमारे साथ भेदभाव न हो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके अलावा आपका क्या होता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहीं हमारा शोषण वगैरह नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको सामाजिक और शैक्षिक अधिकार मिले हुए हैं। तो और इसके अलावा इसी में कह दिया गया है कि अगर कोई भी मूल अधिकार नहीं पूरा होता है तो उसको अप्रोच करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी उसको कैसे पा सकता है नागरिक, वो भी हमारा अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो संविधान निर्माता थे, एक विश्व का मतलब बहुत अच्छा संविधान हमारे यहाँ दिए हैं कि कुछ भी हो, नागरिकों के अधिकारों के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन सारे मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, वन बाय वन एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा पूरे पॉलिटी में कहीं से क्वेश्चन आते तो इसी मूल अधिकार से आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको DPSP बोलते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देशक तत्व दे दिए गए हैं, यानी कि कुछ डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं। जब भी आप प्रिंसिपल बना रहे होंगे स्टेट की कोई भी पॉलिसी बना रहे होंगे आप, उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए संविधान में कि आप, जैसे इसमें क्या कहा गया है कि आपका कोई भी नागरिक हो उसका न्यूट्रिशियस लेवल उठना चाहिए, पोषकता का अधिकार होना चाहिए उसको, हमारे देश में एक तरह का कानून होना चाहिए यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, हमारे देश में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो आने वाले समय में पंचायतें यानी टायर थर्ड की प्रशासन होनी चाहिए, जो कि अब हो भी चुका है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई थी उस समय कि जो चीजें हमारे पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनको आने वाले समय में देश जो इंडिया है वो लागू करेगा। बहुत सारी चीजें लिखी गई, बहुत सारी चीजें लागू हो गई, जैसे इसमें लिखा गया है सभी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा, मतलब सभी को समान न्याय का अधिकार मिलेगा, सभी समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे मेल हो फीमेल हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो बहुत सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं जो कि अभी पूरी हो चुकी हैं। तो और कुछ चीजें अभी जो नहीं भी हुई, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत तमाम चीजें हैं नहीं भी हुई है। तो एक केटी शाह जैसे हुआ करते थे हमारे पार्लियामेंट में, संविधान सभा में, वो कहे थे कि नीति निर्देशक तत्व, DPSP, मतलब एक हम ऐसा चेक काट के जा रहे हैं, जैसे चेक काटा जाता है, चेक काट के जा रहे हैं कि जब भारत के पास पैसा होगा तो वो उसको भजा लेगा, यानी इस चेक में इतना अमाउंट या ये चीजें लिख के जा रहे हैं, जैसे जैसे आपके पास संसाधन होता जाएगा आप इन प्रोविजन को लागू करते जाएगा। तो एक एक प्रोविजन को इस DPSP को देखेंगे, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल नेक्स्ट पॉइंट है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य यानी
मूल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ये नागरिकों का मूल कर्तव्य, चाहे कोई भी कर्तव्य फॉलो करिए चाहे मत करिए, ये मूल है, इनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे मूल कर्तव्य की क्या है कि संविधान है तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं और आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का आदर करना है, आपका क्या करना है, कभी भी लोगों के बीच समरसता और आपका भ्रातृत्व की भावना यानी फ्रेटर्निटी की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करना है। कोई भी ऐसा नहीं, ये क्या है आपके कर्तव्य, जैसे व्हाट्सएप पे आपके कोई मैसेज आ गया कट्टरता वाला, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको वहीं रोक दीजिए। वो आपके मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि लोगों के बीच भाईचारा, सामंजस्य की भावना का विकास करें। एक और कर्तव्य है जैसे कि आपका लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का को उद्गृत करें, मतलब जागरूक करें, यानी कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लोगों के अंदर दें। किसी एक धर्म, जात या फिर छोटी मानसिकता से उठ करके आपका साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए किसी चीज के लिए, आपका कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है, फंडामेंटल कर्तव्य सब लिखा गया है इसमें। यानी सार्वजनिक संपत्ति, जैसे आपका रेलवे लिखा रहता है कहीं कहीं कि ये आपकी संपत्ति है, कुछ लोग क्या करते हैं कहते हैं कि हमारी संपत्ति है तो रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही है, घर चले, तो ऐसा अप्रोच नहीं करना है। यानी सार्वजनिक संपत्ति जो है वो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका फंडामेंटल कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद, नेक्स्ट पॉइंट है संसद। संसद जो है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस करेंगे, यानी कि लोकसभा और स्टेट काउंसिल्स जो है आपकी। लोकसभा में कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है, तो इनकी क्या 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 प्रोविजन है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, सदस्य जाने की योग्यता क्या है, इन सारी चीजों को इनका किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, लोकसभा का अधिकार क्षेत्र क्या है, राज्यसभा का अधिकार क्षेत्र क्या है, इन सारी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का मतलब जो राष्ट्रपति हैं, जो कि संसद का भाग भी थे, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनका इमरजेंसी प्रोविजन उनको, यानी कि आपातकाल में क्या अधिकार दिया गया है, उनका इलेक्शन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट, पीएम एंड इट्स कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं, उनके क्या क्या दायित्व है, उनका क्या क्या अधिकार क्षेत्र, सेम कहानी जो राष्ट्रपति वाला था, वही चीजें, उनके सारे अधिकार क्षेत्र, उनके विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, उनके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ उनकी जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, उपमंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, जो न्यायपालिका हमारी होती है, जो जुडिशरी होती है, उसमें सबसे सुप्रीम पर है आपकी सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, और फिर है सारे स्टेट स्तर पर हर राज्यों के न्यायालय हैं जो कि उच्च न्यायालय होते हैं। उसके नीचे की जो न्यायपालिका है वो जनपद स्तर की होती है, जिसे आपका सेशन कोर्ट बोला जाता है या फिर आपका जिला न्यायालय बोला जाता है। तो इस चैप्टर को पूरा हम लोग देखेंगे, क्या उनका दायित्व है, कैसे है, किस आर्टिकल में है सब कुछ, कौन कौन सी पावर्स होती है उसकी न्यायालय की। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत जो संविधान बना है वो एक दिन में नहीं बना है, इसके बनने के पीछे पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया कब से शुरू हुई है कि जब अंग्रेज थे हमारे यहाँ 1773 में सबसे पहला अधिनियम लेके आए थे, तो उसमें क्या प्रोविजन किया गया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे हर 10 साल 20 साल पर तमानिक विकास होता रहा गया, एक्ट आता रहा, अधिनियम आता रहा, तो उन सारे अधिनियम में क्या एक विकास का क्रम है, उनके कुछ कुछ मेन प्रोविजन होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा संवैधानिक विकास हुआ है। ये चैप्टर जो है हिस्ट्री का भी पार्ट्स है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत है, उसमें भी ये चैप्टर्स आते हैं, तो कहीं भी चाहे यहाँ चाहे वहाँ एक जगह कर देंगे, वैसे यही हम कोशिश करेंगे कर दें इस चैप्टर को। प्रमुख पदाधिकारी, नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रमुख, भारत में कुछ प्रमुख पद हैं, जैसे कि आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसके बाद सॉलिसिटर जनरल, इसके बाद क्या है, चीफ विजिलेंस कमीशन और चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये जो पद हैं, ये जो पदाधिकारी हैं, इनके पद का क्या रोल है, क्या भूमिका है, किस आर्टिकल में ये लोग आते हैं, इनका क्या काम होता है, ये चीजें डायरेक्ट पूछता है कभी कभी, तो उनको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज। संसदीय समितियों का क्या मतलब है कि जो हमारा कानून बनता है संसद में, पार्लियामेंट में, उन कानून को मान लीजिए कि जो भी एक एक एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, वो डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उनके जो कानून बनाने के पीछे जो प्रक्रिया है वो बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं वो करती हैं। तो उन संसदीय समितियों का क्या रोल है उनको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ तो जो पॉलिटी का सिलेबस बचा हुआ था वो है अब निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि जो भी हमारी जैसे इस समय विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है, उससे पहले आचार संहिता लगाना, पार्टियों को मान्यता देना, या फिर पार्टियों को चुनाव चिन्ह को वो कहना, उन किन किन आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग का पॉलिटी के सिलेबस में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। यानी जो केंद्र है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी जी, और स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो योगी जी उत्तर प्रदेश में है, तो उस तरीके से किस प्रकार का इनका रिलेशन रहता है। जो अभी हाल ही में पंजाब वाली घटना हुई है, जो कि कोऑर्डिनेशन के अभाव में गड़बड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ, कोऑर्डिनेशन इनके बीच जो क्या संबंध है, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कौन किस सब्जेक्ट पे काम करेगा, केंद्र सरकार किस सब्जेक्ट पे काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे काम करती है। जैसे आपका आर्मी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, पुलिस है स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, आपका जेल है स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, स्वास्थ्य है स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जो शिक्षा है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देखेगा, नहीं समवर्ती सूची में है दोनों लोग देखेंगे शिक्षा, और फॉरेस्ट है वो भी दोनों लोग देखेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन पे इकट्ठे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कुछ सब्जेक्ट पे केवल स्टेट गवर्नमेंट देखती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे दोनों लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से केंद्र और राज्य का संबंध को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। जब इमरजेंसी लग जाती है, जैसे कोई चीज किसी देश का आक्रमण हो गया, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ इमरजेंसी कोई राज्य में कोई दिक्कत आ गई, संवैधानिक तंत्र उसका विफल हो गया, तो वहां पे संकट आ जाती है, तो उसके लिए इमरजेंसी लगाया जाता है। या फिर आपका वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, तो किसी राज्य का वित्तीय रूप से संकट में वो आ गया, ऐसा हालांकि ऐसा अभी तक कभी लगा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी प्रोविजन किया गया। तो ये सारी चीजें आपात उपबंध में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम। जैसे कभी हम आप लोग को बताए थे कि पंचायती राज सिस्टम आजादी के समय नहीं हुआ करता था, उनको उसमें डीपीएसपी में कहा गया था कि आने वाले समय में ये चीजें आपको लागू करनी है, जो कि पंचायती राज सिस्टम के रूप में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लागू होती है पंचायती राज सिस्टम, टायर थर्ड का सिस्टम का क्या होता है, कैसे होता है, क्या पावर्स होती है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ये पंचायतें या फिर अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है आपका संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आपका संविधान बन गया, संविधान संशोधन मतलब इसका क्या है कि जो संविधान आपका बन गया, वो बन गया तो जैसे कि 1950 में बन गया, तो 50 का संविधान जरूरी नहीं है कि अभी तक चले, समय काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप में परिवर्तन लाना ही सबसे बड़ा गुण होता है, चाहे वो संविधान हो चाहे अपना व्यक्तित्व का गुण हो, समय की जो मांग हो उसको पूरा करते हुए, या तो कठोरता की मांग कर रहा है तो कठोर हो जाइए, नम्यता की मांग रहा है तो नम्य हो जाइए। इसका मतलब क्या है कि संविधान भी समय समय पर अपने आप में संशोधन लिए हुए बैठा है। 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो गए हैं अभी तक के 70 साल के इतिहास में, तो कौन कौन से संविधान संशोधन हमारे लिए जरूरी है, क्या क्या हुआ है, किस तरीके से बदला है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विधानमंडल, विधानमंडल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई। अभी स्टेट जो विधानसभाएं होती हैं
विधानमंडल, जैसे संसद के दो पार्ट थे लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह विधानमंडल स्टेट में होता है, राज्यों में होता है, उसके दो पार्ट होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब जैसे लोकसभा होती है ज्यादा पावर होता है और जैसे राज्यसभा होती है थोड़ा कम पावर होता है, हालांकि ऐसे नहीं उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन ये उच्च सदन होती है और ये निम्न सदन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके विषय में देखेंगे क्योंकि इसके आर्टिकल में है, इनके क्या क्या पावर है, ये कानून कैसे बनाते हैं, इनके कौन कौन सी कमेटियां होती हैं, कौन कौन समिति होती है, तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है पदाधिकारियों का अनुक्रम यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कौन सा पद ऊपर है कौन नीचे, यानी कौन किसको सलामी देगा, ये चीजें हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देंगे, राष्ट्रपति को कौन देगा, यानी एक जो सीक्वेंस है कि सबसे ऊपर कौन है उसके नीचे कौन है, तो इस तरीके से हम पदाधिकारियों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हम देखेंगे कि सबसे ऊपर से नीचे तक कौन है, टॉप टेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विविध, विविध का मतलब है कि कुछ चीजें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको कि छोटे रहेंगे, उनको मैं लास्ट में मिसलेनियस करके लिखा दूंगा पूरा चीज। चलिए, अगर ये है हमारा पूरा आपका सिलेबस इंडियन पॉलिटी का, और अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।